हेलो किड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो चिल्ड्रन, कल हमने आपकी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में से हेलेन केलर चैप्टर पढ़ना शुरू किया था और कल हमने पेज नंबर 81 की रीडिंग की थी और उसे समझा था। तो मैं बता दूं हमने कल क्या पढ़ा था। एक बच्ची का जन्म हुआ, बड़ी हेल्दी बच्ची, बड़ी स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ 1880 में, 1880 की समर्स में अलबामा में। और वह बच्ची बड़ी हेल्दी थी, परंतु बुखार आने के कारण वह बहुत बीमार हुई और बीमारी के बाद वह सेम नहीं रही। उसे कुछ परेशानियां आई, दिक्कतें आई, और वह ये थी कि वह सुन नहीं पा रही थी और देख नहीं पा रही थी। और उसके वह जो जब वह बड़ी हुई तो उसे ये परेशानियां उसकी बढ़ती गई, उसके माता पिता की भी परेशानियां बढ़ती गई। हेलेन जो है वह बड़ी उग्र स्वभाव की हो गई, वह किसी को भी अपनी कंघी नहीं करने देती थी अपने बालों पे। और अब आज हम पढ़ेंगे कि और हेलेन के साथ क्या क्या हुआ और आगे हेलेन का जीवन कैसे चला। तो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। हर क्लोथ्स, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 82। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और वह अक्सर गुस्सा रहती थी। एंग्री मने गुस्सा, ऑफन मने अक्सर। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, और कभी कभी वह क्या करती थी, ले मने लेट जाती थी। किस पर? फ्लोर मने फर्श पर। वह फर्श पर लेट जाती थी एंड किक्ड हर फीट, और अपने पाँव को जोर जोर से पटकती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, तब उसके माता पिता ने सोचा कि उन्हें हेलेन के लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवान, a young teacher agreed to help Helen to learn to see the world. और जैसा कि उसके पेरेंट्स ने चाहा कि उसे एक टीचर मिले, तो मिस सुलिवान, एक यंग टीचर, वह सहमत हुई हेलेन को सिखाने के लिए। मिस सुलिवान गेव हेलेन अ डॉल, मिस सुलिवान ने हेलेन को एक डॉल दी। डॉल मने गुड़िया, D-O-L-L, spells doll. और जब उन्होंने हेलेन को वो डॉल दी तो स्पेल भी किया उसे। अब बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि ना तो हेलेन सुन पाती थी ना देख पाती थी, तो वह ना गुड़िया को देख पा रही थी और ना ही वह सुन पा रही थी कि ये क्या है। फिर टीचर ने क्या किया, मिस सुलेमान ने, शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। हेलेन को फील करवाने के लिए मिस सुलिवान ने हेलेन के हाथ पे उस अक्षर की स्पेलिंग लिखी, जैसे डी ओ एल एल। तो हेलेन ना तो देख पाती थी ना सुन पाती थी, लेकिन महसूस कर पाती थी, तो उसने उसके स्पर्श को महसूस किया। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, और स्पेशल हैंड साइंस की वजह से, हैंड साइंस की सहायता से उन्होंने डॉल को की स्पेलिंग हेलेन को समझाने की कोशिश की। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। हेलेन ने अपनी टीचर को कॉपी किया, कॉपी मैंने उसका अनुसरण किया, उसके जैसे ही टीचर के हाथ पर डॉल D-O-L-L डॉल की स्पेलिंग लिखी। बट उसे ये पता ही नहीं था, उसे ये समझ नहीं थी कि वह क्या कर रही है। सिर्फ उसने उस समय अपनी टीचर को कॉपी किया, मैंने उनका अनुसरण किया, उनके जैसा ही करने का प्रयास किया। हेलेन लाइक्ड मिस सुलिवान, हेलेन मिस सुलिवान को बहुत पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, मिस सुलिवान स्ट्रिक्ट थी, स्ट्रिक्ट मैंने कठोर सख्त टीचर थी, परंतु वे साथ ही साथ दयालु भी थी। स्ट्रिक्ट मैंने सख्त या कठोर, और काइंड मने दयालु। शी स्पेंट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलेन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड, और उन्होंने उसी तरह से, जैसे मैंने आपको अपने हाथ पे भी डॉल लिख के दिखाया, उसी तरह से मिस सुलिवान ने लगातार रात दिन हेलेन के हाथ पर कुछ लेटर्स उकेरती रहती थी, कुछ लेटर्स स्पेल्ट करती रहती थी। वन डे हर टीचर मेड हेलेन put her hand into running water, और एक दिन
उसकी टीचर ने, हेलेन की टीचर ने यानी कि मिस सुलिवान ने क्या किया, हेलेन का हाथ चलते हुए पानी के नीचे रखा, रनिंग, रनिंग मैंने चलता हुआ पानी। देन शी स्पेल्ड WATER। मिस सुलिवान ने क्या किया, चलते हुए पानी के नीचे हेलेन के हाथ को रखा और साथ ही उसके हाथ में WATER उकेरा, जिस तरह से मैंने डॉल लिख के दिखाया उसी तरह से उन्होंने हेलेन के हाथ में वाटर लिखा। सडनली मैंने अचानक, हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। और जैसे ही हेलेन ने वह वाटर शब्द समझा और उसे एकदम से समझ आ गई कि वाटर क्या चीज है जो मेरे हाथ पर गिर रहा है, कुछ गीली चीज। और उस दिन हेलेन ने क्या समझा, शी अंडरस्टूड, उस दिन हेलेन को समझ आया दैट क्या, कि वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। उस दिन हेलेन को समझ आया कि जो शब्द हैं वह दुनिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किसकी, दुनिया की, वर्ल्ड माने दुनिया। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वॉन्टेड टू नो, और यही वह शब्द हैं जो हेलेन को सब बताएंगे जो कि वह जानना चाहती है। बच्चों इस वर्ड में हमने होमोफोन्स भी पढ़े थे, कुछ कंफ्यूज ना हो, ये है WORLD, वर्ल्ड, वर्ल्ड, वर्ल्ड मने दुनिया, और ये है WORDS, वर्ड्स, वर्ड्स मने शब्द। तो बच्चों हमने ये, अब आपने देखा कि हेलेन के साथ कितना बुरा हुआ था, वह सुन नहीं पाती थी, वह देख नहीं पाती थी, परंतु मिस सुलिवान ने रात दिन उस पर मेहनत कर उसे समझाने की कोशिश की कि वर्ड्स क्या होते हैं। और एक दिन जब उस हेलेन ने चलते हुए पानी के नीचे उसका हाथ रखा गया और उसे वाटर शब्द बताया गया, तो हेलेन को एकदम से ये बात समझ आ गई कि जो शब्द होते हैं, शब्द जो होते हैं वो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ इस पाठ से आपने जरूर कुछ सीख ली होगी, और वह सीख यह है कि हमारे अंदर कई अक्षमताएं भी हो सकती हैं और कई परेशानियां भी हमें जीवन में आ सकती हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और परेशानियों को भूलकर हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। अब आप जो इससे रिलेटेड वर्कशीट है वो प्लीज साफ साफ करें और अपने टीचर को सेंड करें। वर्कशीट को करने के लिए आप वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि सारी जो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है इसी में से आपकी वर्कशीट तैयार की गई है। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, ये भी आपको वर्कशीट में दिए गए हैं परंतु सिंपल करके दिए गए हैं। तो डियर चिल्ड्रन, वर्कशीट विच यू हैव टू डू नीटली एंड सेंड टू योर टीचर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, इसमें आपने जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इसमें कुछ लेटर्स फिल करने हैं, वो वैसा करने के बाद आपको एक वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा और उस वर्ड के हिंदी मीनिंग से आपने उस वर्ड को मैच करना है। पहला आपको उदाहरण के तौर पे दिया गया है, वैसे ही देख के आपने दूसरे वर्ड्स भी पूरे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके लिए आपको बच्चों क्या करना है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 84 खोलना है और उस पेज पर कुछ 6 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अब उन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ लिख दिए गए हैं, ये जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं ये आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, और आपको उन 6 क्वेश्चंस को यहाँ लिखना है, लेकिन पढ़कर। आपको पहले उत्तर को ठीक से रीड करना पड़ेगा और फिर सोचना पड़ेगा कि इसका प्रश्न कौन सा हो सकता है। तो पहला आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखकर दे भी दिया गया है, वैसे ही आप ये पूरा करें। देन आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, और आपने इन ब्लैंक्स को किससे फिल करना है। ये जो आपको ग्रीन क्लाउड दिया गया है इसमें कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, इन वर्ड्स को आपने इन ब्लैंक्स में फिल करना है और एक आपको मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82 को बार बार रीड करेंगे, उसके बाद आपको ये वर्कशीट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। सो चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।